नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। चलिए बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिगिनर्स की जब बात होती है तो हम उन सीनियर सिटीजन्स की भी बात करते हैं जो सर्विस या कोई भी काम से रिटायर हो चुके हैं। उनका पैसा FDR में पड़ा रहता है। FDR पर 6-7% एनुअल रिटर्न मिलती है, लगभग यही इन्फ्लेशन रेट है। उनका पैसा ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप 20% पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, आपका समय भी पास हो जाएगा। दूसरे टाइप की वो लेडीज हैं जो होम मेकर हैं, अपना पैसा घर पर ही संभाल कर रखती हैं ताकि बुरे वक्त या ज़रूरत के समय काम आ सके। उनका पैसा 5 साल में आधा रह जाता है, जो कि इन्फ्लेशन की भेंट चढ़ जाता है। उनको भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, काम करना आसान है, 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है अगर आपको ज़रूरत है तो। शेयर मार्केट में काम करना उतना ही आसान है जितना आटा गूंदना, और कॉन्फिडेंस भी आप में आ जाएगा, समय भी अच्छा पास होगा। रिस्क के मुकाबले रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जब भी मार्केट अच्छी होती है IPOs की बाढ़ आ जाती है। IPOs में सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए। वॉरेन बुफेट ने भी लगभग 500 करोड़ रुपए का लॉस पेटीएम में किया है। हमारे निवेशकों को भी काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है इस शेयर में। आप शेयर मार्केट में एंटर कीजिए, डीमैट अकाउंट खोलिए, कहीं आप लेट ना हो जाए। आज हम बात करेंगे एक मल्टी बैगर शेयर की, ITC लिमिटेड। शेयर के दाम 450 रुपये के आसपास हैं। मार्केट कैप 5,71,000 करोड़ है। बाजार में सेक्टर P से कुछ नीचे ही मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। डिविडेंड 3.38% देती है कंपनी। इसके 43.34% FII है, 41.98% DII के पास है और प्रमोटर इसमें नहीं है। यह कंपनी भारत की लीडिंग कंपनी है और भारत में 10 सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांडों में इसको स्थान मिलता है। KR चौकसी ने 26 अक्टूबर 2023 को इस शेयर में खरीदना के टैग के साथ 533 रुपये का टारगेट दिया है। हमारी टीम को इस शेयर में रिस्क कम नज़र आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक शेयर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। यह कंपनी 2011 में निगमित हुई थी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अगली पीढ़ी की IT समाधान कंपनी है, सॉल्यूशन कंपनी है। कंपनी कई केंद्रित क्षेत्रों में IP और डोमेन विशेषज्ञता प्रदान करती है, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और AMP एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, उत्पाद इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन, सुरक्षा परीक्षण और परामर्श। समाधान क्षेत्र में फोकस क्षेत्र सुरक्षा, M2M और गतिशीलता समाधान है। कंपनी की व्यावसायिक इकाइयां हैं उत्पाद इंजीनियरिंग सेवाएं, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और AMP सुरक्षा सेवाएं। इस कंपनी की टेक्नोलॉजी को कौन से उद्योग उपयोग करते हैं वह बताते हैं हम। ऑटोमेटिव बैंकिंग, उपभोक्ता पैक्ड सामान, ई कॉमर्स, शिक्षा, प्रकाशन, विनिर्माण, खुदरा, यात्रा और AMP आतिथ्य सत्कार आदि। इस कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई। कंपनी ने FY22 में टेक फोर्थ में निवेश किया है, जो कंपनी विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी का भारत से रेवेन्यू है जो वो 19% है, अमेरिका से 65% है और ब्रिटेन से 6% है, अन्य देशों से 10% है। कंपनी ने 150 की बैठने की क्षमता के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक नए विकास केंद्र का उद्घाटन किया है।
SEZ में इस कंपनी को भूमि अलॉट हुई है, क्षमता का विस्तार कर रही है कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा साउंड मॉडल है, भविष्य की कंपनी है। हमारी टीम इस IT सॉल्यूशन कंपनी के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फंडामेंटल्स चेक करेंगे और समझेंगे। मार्केट कैप 14,241 करोड़ है, स्टॉक PE 64.6 है, बुक वैल्यू 90 रुपये प्रति शेयर है, डिविडेंड 0.58% है, ROE 28.90% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स चेक कर लेते हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 63% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। ROE ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 साल का 32.40% है। कंपनी ने 30.2% का डिविडेंड मेंटेन करके रखा हुआ है। बिक्री पिछले 10 साल में एवरेज 26.5% की रफ्तार से बढ़ी है। कॉन्स्टेंट नील है। इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स देख लेते हैं। सितंबर 22, जून 23 और सितंबर 23 के सेल है, जो सितंबर 22 में 338 करोड़ थी, जून 23 के अंदर 357 करोड़ थी और सितंबर 23 के अंदर 370 करोड़ थी। OPM 25% था सितंबर 22 में, जून 23 में 23% था और सितंबर 23 में 19% था। नेट प्रॉफिट सितंबर 22 में 55 करोड़ था और जून 23 में 57 करोड़ था, सितंबर 23 में 55 करोड़ था। सेल बढ़ी है, OPM थोड़ा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट लगभग मेंटेन्ड है। YOY रिजल्ट भी देखेंगे। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 1034 करोड़ थी, मार्च 23 में 1033 करोड़ थी और TTM 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक 1414 करोड़ थी। OPM 24% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 24% था और TTM 22% था। नेट प्रॉफिट 186 करोड़ से बढ़कर 216 करोड़ हुआ और TTM 220 करोड़ है। सेल ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री है, OPM थोड़ा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा बड़ा है। बैलेंस शीट रिजर्व 1348 करोड़ के हैं, बोरिंग 539 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 197 करोड़ की है, जो अब बढ़ के हो सकता है 400-500 करोड़ हो गई हो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं हम। प्रमोटर के पास 51.35% है, FII के पास 5.14% है, DII के पास 2.43% है, पब्लिक के पास 38.94% है, अदर्स के पास 2.15% है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, अदर फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। हमारी टीम इसके फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम हैप्पीएस्ट माइंड के प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। क्या इस शेयर के प्राइस उचित हैं, इसके आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम इसमें बाजार एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेज की भी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। शेयर के दाम 930 रुपये के आसपास हैं, 52 वीक हाई एंड लो 1023 रुपये और 763 रुपये है, स्टॉक भी 64.6 है, ROE 28.90% है। इसके पीयर्स कंपनी के शेयर हैं, टाटा इलेक्सी 72 की PE पर, 72 की PE पर, KPIT 85 की PE पर मिल रहे हैं, सेक्टर PE 43.85 है। थोड़ा बहुत प्राइस वैल्यूएशन महंगी तो नज़र आती है, लेकिन इस शेयर को SIP के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है। अच्छे शेयर की PE थोड़े ज़्यादा ही रहती है, महंगा खरीदेंगे तो महंगा ही बिकता है। 18 अक्टूबर 2023 को यस सिक्योरिटीज़ ने इसकी खरीद के टैग के साथ 1100 रुपये का लक्ष्य दिया है। IT सेक्टर के दिन अच्छे आने वाले हैं, ज़्यादा बिजनेस USA ब्रिटेन में है, अमेरिका में इन्फ्लेशन कुछ नरम हुआ है और फेड ने भी रेट कट की बात की है। आने वाले समय में हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन IT अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में बढ़े, यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़े। नेगेटिव रीजन कोई नज़र नहीं आता। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर अगले 3 वर्ष में 1800 रुपये के आसपास रहेगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, एक और शेयर के ऊपर हम बात करते हैं, श्याम मेटेलिक्स। भारत में स्थित एक अग्रणी एकीकृत धातु उत्पादक कंपनी है, जो लंबे इस्पात उत्पादों और फेरो मिश्रित धातुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी भारत में स्थापित क्षमता के मामले में फेरो मिश्र धातु के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
फेरोलाइज में सबसे बड़ी कंपनी है, और स्टील मूल्य श्रृंखला में मध्यवर्ती और अंतिम उत्पाद बेचने की क्षमता रखती है। कंपनी 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी के पास 227 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 8 कैप्टिव पावर प्लांट है। इसका उपयोग विनिर्माण इकाइयां चलाने और के लिए किया जाता है। आज के दाम 513 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 535 रुपये और 253 रुपये है। स्टॉक पी 13 है। बुक वैल्यू 320 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.35% है। आरओई 13% है। 3 वर्ष की एवरेज 24% है। वो तो पिछले साल थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी एक्साइज वगैरह भी बढ़ी थी आयरन ओर में, तो फेस वैल्यू 10 रुपये है। स्टॉक प्राइस CAGR एक साल में 76% है। प्रमोटर होल्डिंग 81.62% है। FII 1.84% है। DII 4.35% है। कंपनी पर कर्जा का बोझ नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज खरीदना टैग के साथ 690 रुपये का टारगेट दिया है। एक वर्ष का अनुमान 820 रुपये है। 5 वर्ष का 2036 रुपये है। यह कमोडिटी शेयर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय डिमांड और राष्ट्रीय नीतियों का असर पड़ता है। कंपनी पर कर्ज नहीं है। बिजली पावर अपनी होने का इसको बहुत ज़्यादा फायदा है। सस्ती बिजली मिलती है, नहीं तो पावर बहुत महंगी है। लॉन्ग टर्म के लिए यह एक सॉलिड शेयर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।